नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम मोर पंख को देखते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट पर विराजते थे। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने गौर किया, ऐसा क्यों? आज का नया दौर है, आज के दौर में प्रेम की याद के तौर पर भी मोर पंख को अपने किताबों के पन्नों के बीच में रखा जाता है। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मोर पंख का महत्व बहुत ज्यादा है। मोर पंख पर 9 ग्रहों का वास होता है, इसीलिए वास्तु को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अपने घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। आज मैं आप लोगों को वो पौराणिक कथा बताऊंगा जिसको जानकर आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, मोर पंख पर 9 ग्रहों का वास होता है। तो एक असुर हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम था संध्यासुर। संध्या उसका नाम था, और जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके कहने पर उसने घोर तपस्या की। किसकी? महादेव की और ब्रह्मदेव की। ढेरों वरदान अर्जित किए और अब संध्या असुर ने उत्पात मचाना शुरू किया। संध्या असुर ने भगवान विष्णु के भक्तों को सताना, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते 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 इसका आतंक फैलने लगा। और अब इसके निशाने पर थे देवता, और देवता कहां विराजते थे दोस्तों? स्वर्ग में। उसको स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करना था। देवताओं को यह पता था कि भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की कृपा के कारण, उनके वरदान के कारण संध्यासुर को अकेले नहीं हराया जा सकता। इसीलिए 9 ग्रहों ने एक योजना बनाई। 9 ग्रहों ने एक मोर पंख पर 9 ग्रह विराजते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुध महाराज, बृहस्पति महाराज, शुक्रदेव, शनि महाराज, राहुदेव, केतु देव। और जब ये 9 ग्रह मोर पंख पर विराजते हैं और युद्ध करते हैं तो ये संध्यासुर का अंत कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मोर पंख पर 9 ग्रहों का वास होता है। और कभी भी घर का अगर वास्तु आपका ठीक नहीं है तो घर के द्वार पर मोर पंख लगाना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते थे, क्योंकि मोर पंख पर 9 ग्रहों का वास होता है, और मोर पंख रखने से 9 ग्रहों की शांति की कृपा बरसती है हमारे घर पर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।